मेरा नाम अमनदीप कौर है। मैं क्लास 7वीं की विद्यार्थन। आज 15 अगस्त 2021 नूं 75वां आज़ादी दिवस मनाउन जा रहे हाँ। आज मैं इस विषय ते तुहाडे सामने अपने विचार पेश करन जा रही हाँ। हर मनुख स्वतंत्र जीवन जीण की इच्छा रखता है। गुलामी कोड है। मनुख अपनी स्वतंत्रता का आनंद ता ही माण सकता है जेकर वह स्वतंत्र देश का वासी होवे। किसी भी गुलाम देश का नागरिक उस पिंजरे विच बंद पंछी वांग है जो खंभ तो फड़फड़ा सकता है पर आसमान विच उच्चियां उड़ारियां नहीं ला सकता। साडे देश की आज़ादी एक ओ कीमती तोहफा है जिसका कोई मुल नहीं लगा सकता। इसलिए ही 15 अगस्त दा दिन भारतीयों वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त वाले दिन अंग्रेजों की लंबी गुलामी कट्टन तो बाद साडा देश आज़ाद होया सी। इस दिन नू स्वराज मिलिया अते लोकां ने आज़ाद भारत विच सुख दा साह लिया। इसी आज़ादी नू प्राप्त करन लई बहुत सारे देशां ने देशा भगतां ने जेलां कट्टियां तसीहे चले फांसियां ते चढ़े आखर शहीदां दा खून रंग लाया अते ओ पवित्र दिन भी आ गया जदों गुलामी दी रात गुजर गई ते आज़ादी दा सूरज चढ़ आया। उन्हां दीआं कुर्बानियां सदका भारत 15 अगस्त 1947 नूं आज़ाद होया। की असीं सचमुच आज़ाद हाँ? मैनूं लगदा है कि बेरोज़गारी अनपढ़ता गरीबी अते नशियां दे अजे भी गुलाम हाँ। इन्नी तरक्की होण दे बावजूद जे इन्ना ही इन्ना बुराइयां तों आज़ाद नहीं होए तां अजे भी गुलाम हाँ। आओ सारे रल मिल के हंबला मारिए। विद्यार्थी होण दे नाते लोकां नूं जागरूक करिए कि वध तो वध पढ़ो लिखो अते नशियां तो दूर रहो ताँ कि साडा समाज वधिया समाज बन जावे। सानू देश दी आज़ादी ते माण होवे कि असी एक देश आज़ाद भारत दे नागरिक हाँ। धन्यवाद।